जी ओम नमस्ते जी। वैद्य जी, मेरे घुटने में दर्द होता है। मैं ये 12 साल से करती हूँ, अच्छा लेकिन माँ, इस समय 2-3 महीने से मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर से दिखाई, एक्सरे किए, कह रहे हैं घिस रहा है। घुटने घिसने लग रहे हैं। हाँ, मतलब अभी शुरुआत हो रही कोई नहीं, है। आप शुरुआत हो रही है, आप घबराइए मत। जो मैं बताता हूँ ना उसको थोड़ा और ज्यादा सीरियसली कर लीजिए। हाँ, कपालभाति कितनी देर करती हैं अम्मा? अच्छा, आधा घंटा 20 मिनट तो मतलब करती हूँ, आधा घंटा डेली करती हूँ, कभी कभी बीस सब मिनट मिलाकर के या खाली कपालभाति? नहीं, कपाल भाती। ठीक है, तो कपालभाति अनुलोम विलोम ये दोनों तो आधा आधा घंटा कीजिए आप। और इसके साथ हाँ साथ में जो अपना वातारी चूर्ण है ना, वातारी चूर्ण हाँ ले लेना, और हाँ चंद्रप्रभावटी, योगराज गुगुल एक एक गोली, और हाँ शिलाजीत जो ये लिक्विड आता है ना, ये 2 बूंद दूध में डाल करके जी, इसको। पहले हमें वो भी था ना, बीपी था, लेकिन अब नॉर्मल है, तो शीला जी ले सकते हाँ, हैं। ले सकते हैं, अभी नॉर्मल है तो प्राणायाम से नॉर्मल आ गया है, तो 1 बूंद ले सकते हैं, ज्यादा मत लेना। तो 1 बूंद ये शिलाजीत ले लो और थोड़ा दूध में हल्दी डाल करके पी लो। और जो खास बात है, आप गिलोय का जो काढ़ा है ना, जो मैं बताता हूँ, गिलोय का काढ़ा या गिलोय का रस या गिलोय की गोली भी सुबह शाम खाली पेट खा लेना, तो इससे जो घिसे हुए कार्टिलेज हैं वो भी दोबारा से आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक तो लिक्विड कम हो गया, वो ग्रीस कम हो गया, ऐसा बोलते हैं आम भाषा में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। घिसे हुए कार्टिलेज भी दोबारा से आ जाते हैं। बस आप ये पूरा उपाय करना, और एलोवेरा का जो जूस है और गिलोय है ना, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल मत छोड़ना, एलोवेरा का जूस, गिलोय, और घर में हो तो पारिजात, हार श्रृंगार के पत्ते, नहीं तो पीड़न तक ले लेना, क्योंकि हमने अलग अलग मंजी, ईटरासना, ये सब हम नागर नागर मोथा ये चूर्ण हम बताते हैं, लेकिन ये सब एक ही उसमें आ जाएगा आपको, एलोवेरा, गिलोय और पीड़न तक पाथी, इसका रस सुबह शाम ये साथ में पी लेना, तो आपको 5-6 महीना लगेगा, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा बीमारियों में वक्त लगता है, लेकिन आपका अच्छा हो जाएगा। पीड़न तक ऑइंटमेंट या पीड़न तक तेल, उसकी थोड़ी हल्के हाथ से मालिश भी करते रहना, तुरंत आपको राहत मिल जाएगी, और धीरे धीरे करके आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर्स तो बोल देते हैं कि अब इस उम्र में तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ 99% आप ऑपरेशन से बच सकते हो, 99% आप एलोपैथी की खतरनाक दवाइयों से बन सकते हो, और 99% अपने बीमारियों को क्योर कर सकते हो। बाकी किसी किसी की बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो उसको आप कंट्रोल तो कर ही सकते हो, वह भी प्राकृतिक तरीके से।